हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू ट्रसिलास किचन। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट्स करना, और चैनल पे नया आए रहेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फ्रेंड्स, अभी मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में आज बना रही हूँ डोसा बना रही हूँ। फ्रेंड्स, तो सुबह गई थी चर्च से आने के बाद देखिए इधर मैंने आया, जैसे तुरंत खाना बनाना स्टार्ट किया था। चिकन बना दिया था, उसके बाद सलाद भी, दाल भी बना के रख दिया, और डोसे के साथ खाने के लिए पम्पकिन भाजी भी बनाई हूँ। एक साइड में दूध भी गर्म होने के लिए रखी थी। फ्रेंड्स, अभी मैं खा रही हूँ ब्रेकफास्ट। सब काम हो गया था मेरा, अभी ओनली मुझे चावल ही बनाना है। दो डोसा बना के लियो मेरे लिए, और थोड़ा सा पम्पकिन भाजी भी ली हूँ। फ्रेंड्स, तो इससे पहले ना मैं एम्प्टी स्टमक चर्च से आने के बाद मैं पी थी धनिया पानी पी थी। फ्रेंड्स, धनिया और इसमें जीरा मैं रात को ही भिगो के रखी थी, वो गरम करके मैं एक ग्लास पी थी। वो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि अर्जेंट था, इतना सब खाना भी बनाना था मुझे, तो आने के बाद तुरंत मैंने पी थी। उसके बाद दो ग्लास गरम पानी भी पी थी। फ्रेंड्स, तो अभी मैं लंच कर रही हूँ। फ्रेंड्स, लंच पोषण कंट्रोल थाली में आज ना राइस है ना रोटी है। फ्रेंड्स, चिकन बनाई थी वो लिया मैंने, दो तीन पीस लिया। फ्रेंड्स, उसके साथ सलाद, टोमेटो, ऑनियन, ककड़ी ये सब डाल के मैंने एक सलाद बनाई थी। नींबू वगैरह डाल के, हरी मिर्ची, धनिया पत्ता ये सब डाल के वो मैंने लिया। उसके साथ एक वटी भर के मैंने दाल भी लिया। फ्रेंड्स, इधर मैंने छास ली हूँ, तो ये छास अभी नहीं पिएगी, 3 बजे पिएगी। कभी कभार मैं भूल जाती हूँ ना फ्रेंड्स, तो शूट करने के लिए, इसके लिए पहले मैंने शूट करके रख दिया आप लोग को दिखाने के लिए एक ही बार, तो बाद में याद नहीं रहेगा तो भी एक बार दिखाएगा तो आप लोग को समझ में आएगा ना। 3 बजे वो पिएगी। फ्रेंड्स, में उसमें है छास में धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची और थोड़ा सा ककड़ी, इतना मैंने पीसी और छास में डाली हूँ। ब्रेकफास्ट में डोसा खाई थी ना, राइस आइटम खाई थी, इसके लिए मैं राइस नहीं ली हूँ। फ्रेंड्स, चाहे तो मैं रागी नहीं तो जावर का रोटी बना के ले सकती थी, बट ली नहीं मैं। आफ्टर द फूड देखिए, एक बनाना था तो मैं आधा और जोयला आधा आधा बनाना खाए थे हम लोग। ऐसा बनाना नहीं खाती हूँ, एक रख रख के खराब हो जाएगा, इसके लिए खा रही हूँ। क्योंकि हस्बैंड के लिए क्या आते हैं हम लोग ज़्यादातर बनाना, मैं और जोयल बहुत ही कम खाते हैं फ्रेंड्स बनाना। दूसरा मैंगो ये सब तो खा लेते हम लोग। तो देखिए, आफ्टर द फूड 1 आवर छोड़ के मैं वही जीरा और धनिया था ना, उसमें मैंने फिर से पानी डाल के उबाल के लिया, वही अभी एक ग्लास पी लेगी। फ्रेंड्स, तो आप भी अपने हिसाब से आपको क्या कौन सा ड्रिंक अच्छा लगता है वो आप पीजिए। तो सुबह का पिएगा तो भी इनफ है, बाद में आप गर्म पानी पीजिए। मैं भी ऐसा रोज़ नहीं ऐसे पीती हूँ, दोपहर को भी, लंच के बाद भी ऐसा कुछ नहीं पीती हूँ। कभी कभार सुबह पी लेती हूँ, कभी कभार शाम को पी लेती हूँ, कभी कभार पीती नहीं हूँ। फ्रेंड्स, ओनली गर्म पानी पीती हूँ। तो ये देखिए, अभी 3 बजे का टाइम था तो मैं अभी वही छास बना के रखी थी ना, वो पी रही थी। बहुत ही टेस्ट था फ्रेंड्स, क्योंकि पुदीना भी था, धनिया भी था, ककड़ी भी, हरी मिर्ची भी, ऑनियन भी चॉप करके डाली थी, मस्त था, अच्छा था पीने के लिए। उसके बाद मैं 5 बजे पी रही हूँ आज चाय पी रही हूँ। फ्रेंड्स, आज दूध वाला चाय पी रही हूँ मैं, रेगुलर दूध वाला चाय नहीं तो दूध वाला कॉफ़ी ऐसा नहीं पीती हूँ, कभी कभार पीती हूँ मैं, ज़्यादातर ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ फ्रेंड्स, गुड़ डाल के। तो आज तो मुझे मन हो रहा था तो मैंने अदरक और ब्लैक पेपर, थोड़ा सा दालचीनी वगैरह डाल के मैंने अच्छा सा एक मसालेदार चाय बना के लिया। उसके साथ थोड़ा सा कुरमुरा मुरमुरा क्या बोलते हैं वो, और थोड़ा सा मैंने रोस्टेड चना ली थी। फ्रेंड्स, उसके बाद मैं कर रही हूँ इधर एक्सरसाइज कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मुझे ज़्यादा नहीं, आज एक 15 मिनट का ही एक्सरसाइज की हूँ, क्योंकि बहुत दिन के बाद मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, तो मैंने सोची 15 मिनट एक्सरसाइज करेगी आज। उसके बाद बहुत सारा कपड़ा है मुझे हैंड वॉश करना है, उसमें भी थोड़ा मेरा फिजिकल एक्टिविटी हो जाएगा, तो इसके लिए मैंने सोची 15 मिनट का एक्सरसाइज कर लेती हूँ, उसके बाद जाती हूँ कपड़ा वॉश करने के लिए। फ्रेंड्स, मुझे एक कमेंट्स आया था आज, आप दूध, दही नहीं तो छास वगैरह, दूध का कॉफ़ी, टी वगैरह नहीं लेते हो क्या करके। मैं कॉफ़ी टी लेती हूँ फ्रेंड्स, बट डेली का दूध का कॉफ़ी, दूध का टी नहीं पीती हूँ फ्रेंड्स, मैं ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ ज़्यादातर। कभी ऐसे मन होएगा तो मैं दूध का कॉफ़ी, दूध का टी बना के पी लेती हूँ, वो भी अभी मैं वेट मेंटेन में आई ना तब से मैंने स्टार्ट किया थोड़ा सा दूध का कॉफ़ी, दूध का टी वगैरह पीना। नहीं तो मैं 5 महीने वेट लॉस जर्नी में थी, मैं 25 किलो वेट लूज़ की हूँ ना, तभी कभी मैं दूध का कॉफ़ी ना दूध का टी मैं पी हूँ फ्रेंड्स, ओनली मैं ब्लैक कॉफ़ी पीती थी। मुझे ब्लैक टी इतना अच्छा नहीं लगता था तो मैं ब्लैक टी इतना नहीं पीती थी, ओनली मैं ब्लैक कॉफ़ी पीती थी, वो भी गुड़ के साथ। थोड़ी मात्रा में गुड़ यूज़ करती थी, कभी कभार गुड़ भी नहीं यूज़ करती थी, ऐसे में पिका पिका पी लेती थी फ्रेंड्स। किसी किसी को कॉफ़ी नहीं सूट होते करके बोलते हैं फ्रेंड्स, बट मेरे लिए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि छोटे से हम लोग कॉफ़ी पी के बड़े हुए हैं, ब्लैक कॉफ़ी पीते थे 2 टाइम।
आपको जल्दी वेट लूज़ करना है तो आप वेट लूज़ जर्नी में दूध का कुछ मत पीजिए, ना दूध का कॉफ़ी ना दूध का टी। आपको ऐसे ही दूध पीना है तो पीजिए फ्रेंड्स। अभी हम लोग जल्दी खाना वगैरह खा लेते हैं ना, 6:30-7:30 तक आप खाना फिनिश कर लेते हो, डिनर फिनिश कर लेते हो, सोने तक आपको टाइम है, 11 बज जाएगा, तब तक आपको भूख लगेगा, तो तभी चाहिए तो आप थोड़ा सा दूध पीजिए फ्रेंड्स। हल्दी डाल के सोने से आधा एक घंटा पहले थोड़ा दूध पी के आप सो जाइए फ्रेंड्स। मीन सोने का टाइम पे दूध पीना और सोने का ये मत कीजिए, थोड़ा पहले ही पीजिए फ्रेंड्स। बट मैं बोलती हूँ आप लोग को वेट लूज़ अच्छे से करना है, अच्छा रिजल्ट जल्दी मिलना है तो आप वेट लूज जर्नी में दूध का कॉफ़ी दूध का टी मत पीजिए। आप ब्लैक कॉफ़ी नहीं तो ब्लैक टी, वो भी जैगरी डाल के, कम मात्रा में जैगरी डाल के आप पीजिए फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स आप दूध का कॉफ़ी दूध का टी पिएगा तो अपना वेट लूज़ नहीं कर सकते हो, थोड़ी मात्रा में पिएगा तो चलेगा। कोई कोई पूरा दूध का ही चाय बनाते हैं फ्रेंड्स, वो भी फुल फैट मिल्क लेके आके उसमें चाय बना लेते हैं। ऐसा मत कीजिए, आपको दूध का ही कॉफ़ी नहीं तो टी पीना ही है तो लो फैट काऊ मिल्क लेके आइए, बफेलो का मत यूज़ कीजिए। और 3/4 कप आपको पानी लेना है, 1/4 कप उतना ही आपको दूध लेना है फ्रेंड्स। ऐसे दूध का कॉफ़ी दूध का टी बना के पीना है। मैं भी अभी ऐसे बनाती हूँ, अभी भी मैं वेट मेंटेन में भी फुल दूध वाला कॉफ़ी नहीं लेती हूँ, 3/4 कप मैं पानी लेती हूँ, 1/4 उतना ही मैं दूध लेती हूँ फ्रेंड्स। तो भी वही आपको करना है और लो फैट काऊ मिल्क ही लेना है। कोई कोई तो सुबह का एक ही टाइम चाय पीते हैं फ्रेंड्स, वो भी कम लेते, तो उन लोग के लिए चलिए कोई बात नहीं। बट हम लोग के जैसे 2 टाइम कप भर के टी पीने वाले को थोड़ा दूध अवॉइड करेगा तो ये अच्छा है, तो आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा उतना ही है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये सब छोटी छोटी हम लोग का डाइट में ना चेंजेस करने से हम लोग का वेट लूज़ होते हैं फ्रेंड्स। वेट लूज़ करने के लिए यही थोड़ी बहुत चेंजेस करना है आपको, सब कुछ अपना रूटीन पहले जैसे आप फॉलो करते रहेंगे ना तब भी कैसे अपना वेट लूज़ होएगा। थोड़ी बहुत तो चेंजेस करना ही पड़ेगा ना हम लोग का रूटीन में, लाइफस्टाइल में हम लोग थोड़ी बहुत चेंजेस करना ही पड़ेगा तब भी जाके हम लोग का वेट लूज़ होएगा ना फ्रेंड्स। तो वही सोच के आप अपना लाइफस्टाइल में थोड़ी सी चेंज कीजिए। तो मैं चाहे तो एक वीडियो अलग से बनाएगी, मैं कैसे स्टार्टिंग में क्या क्या की थी, ऐसे तो बहुत सारा वीडियो मैं रेगुलर बताती रहती हूँ, चाहे तो उसके लिए एक वीडियो बना देगी, कैसे मैंने स्टार्ट किया था क्या किया था ये सब डिटेल में एक बार फिर से मैं एक वीडियो बनाएगी फ्रेंड्स। आज मेरा डिनर थोड़ा लेट हुआ था, 7 o'clock हुआ था फ्रेंड्स, क्योंकि एक्सरसाइज होने के बाद कपड़ा वॉश करना था, उसके बाद ना के आई, तब तक जोएल ने बोला पहला हम लोग प्रेयर कर लेंगे मम्मी करके, तो 6:30 से 7 o'clock तक हम लोग का प्रेयर ही हो गया। उसके बाद डिनर कर रही हूँ, जावर रोटी, चिकन और फ्लैक्सीड चटनी पाउडर बनाई थी वो ही लिया था। आज का हेल्दी रूटीन आप लोगों को कैसा लगा बताइए।